रहीम। आज इन टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड द 2D ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इन द इमेज प्रोसेसिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इज dealing with an image with respect to its position. Yes. It is called the transformation. Masalan, agar main ye keh dun, if an image is located at one location on a 2D screen and you move it to another position. Yes. Clear? Yes. So it is a transformation in general. Yes. But this dealing with the position of the image is divided into 3 categories. One is the translation, the other one is the rotation, and the third one is the scaling. Now, what is translation? Translation is a process while moving an object from one location to another location. That is, an object is located at one location on the screen and you move it to another location of the screen. Yes, clear? Yes, in a 2D coordinates. Yes, I'm not discussing at the moment a 3D, because the situation for a 3D is a bit different. But moving an object from one location into another location, it is called translation. The size of the object, the orientation of the object is not disturbed. It is switched as it is, as it was in its original position. जैसे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर था, उसी तरह से वो अब नए पोजीशंस के ऊपर भी है। रीजन गाड़ी अब चलाते हो ना, स्क्रीन पर चलती है ना, तो ट्रांजिशन ही होती है। जो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है उसे ट्रांजिशन कहते हैं। बात समझ आ रही है? मसलन देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको मैंने ये पकड़ लिया और इसको मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक। तो जैसे अपने ओरिजिनल पोजीशन, उसी तरह से अपने इस नए पोजीशन के ऊपर भी हो। समझ आ रही कि नहीं? अब ये तो खैर मैंने ऐसे ही कह दिया, ठीक है, सिर्फ उसके लिए, ठीक। अगर मैं यहाँ पर से फॉर एग्जांपल पेंट को ओपन करूँ और इधर से ऑब्जेक्ट से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ड्रा किया, ठीक। yes. अभी देखिए, एक लोकेशन के ऊपर ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, ठीक। yes. है, अब इस ऑब्जेक्ट के मैं क्या करूँ, सेलेक्ट किया मैंने और इसको एक नए पोजीशन पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसलेशन जी, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ये इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं है, वो वाला लफ्ज, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन तो अलग चीज है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रांसलेशन है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक आप इसको सिर्फ प्लेस चेंज करें, ठीक है। The second one is the rotation. What is happening in rotation? That the position is not changed, but it is rotating around its original axis around. Yes. It rotates around its central position. Yes. For example, अगर मैं इसी को यहाँ पर उठा लूँ, और इसको मैं
चलो ये तो होता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर वर्ड में ओपन करूँ, ठीक है, और इधर से फॉर एग्जाम्पल एक लाइन मैंने ड्रा किया, या चलो एक लफ्ज मैंने लिख दिया, चलो ये है, ये भी नहीं, बल्कि क्या करो एक इमेज सा अगर मेरे पास अवेलेबल हो यहाँ पे, इंसर्ट कोई भी इस शेप में डाल देता हूँ, चलो ये मैंने ड्रा कर दिया, ठीक। ये सही, दिस इज कॉल्ड व्हाट, रोटेशन, that you move around an object around its central position, ठीक है। ट्रांसलेशन क्या है कि यू मूव इट इन वन लोकेशन टू इन विदाउट चेंजिंग इट्स साइज एंड इट्स ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन उसकी चेंज नहीं होती, सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज हो जाती। बात समझ आ गई कि नहीं, ठीक। द थर्ड वन इज स्केलिंग, सो व्हाट इज स्केलिंग, टू इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट अफेक्टिंग इट्स ओरिजिनल शेप, यानी इसके शेप को इफेक्ट किए बगैर। तो वही है, खराब तो होती है, लेकिन हम ये कहते हैं ना कि डिजाइन सच एन एल्गोरिथम दैट हैव अ लीस्ट इफेक्ट्स ऑन इट्स शेप कलर एंड पिक्सेल्स। बात समझ आ गई। अब वही चीज है, आप देखें ना, इधर अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर एक इमेज डाल दूं, से फॉर एग्जांपल ये एक इमेज से फॉर एग्जांपल मैंने पेंट में डाल दिया, कोई भी आओ इमेज में देख लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पर पिक्चर्स कहीं पड़े हुए हैं, कहाँ पर है, ये यहाँ पर कहीं पिक्चर्स नहीं है, सर वो पर पिक्चर्स है, वो दूसरे नंबर पर, इधर ना सेकंड, इस राइट से सर ऊपर से सेकंड नंबर, इधर नहीं, इधर एक वो मेरे पास तो कहीं हुई नहीं, तो बुक है इधर कहीं, मैंने डाल दी है बाहर। हाँ एक फोल्डर है इधर इमेजेस का, देख लें कहीं है, हाँ पिक्स किधर है, साइड पे इधर, राइट साइड और भी ये सब पिक्स, हाँ ये, चलो इधर से एक पिक्चर में चलो ये उठा लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने उठा दिया, ठीक, और इसको मैंने देखे पेंट में डाल दिया, कॉपी इमेज, पेन हो ही नहीं रहा, ठीक, चलो ऐसे कर देता हूँ, नहीं हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा छोटा करूँ ये, ठीक है ना, ये फॉर एग्जांपल एक इमेज है इसकी, ये ठीक है, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा इसको क्रॉप कर दूँ, ठीक है, क्रॉप किधर से होता है,
ऊपर है सर, वो नहीं आ रहा पिक्चर पे। सॉरी ऑलरेडी क्रॉप नहीं सर, ठीक है अब ये क्रॉप हो गया ठीक है। अच्छा अब आप देखें ना कि अगर मैं इसको 100% कर दूं ठीक है, चलो ये मैंने कर दिया ठीक, और इसको मैं अब बड़ा करता हूं, से फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसके शेप के ऊपर कोई असर ना पड़े, तो अगर आप इसको देखें ना, अगर आप इसको ऐसे कहते तो देखें दिस क्वालिटी इज अफेक्टेड, समझ आ गई कि नहीं। अब इस बेस पर स्केलिंग के डिफरेंट पर अप्रोचेज हैं कि आप किस तरह की स्केलिंग चाहते हैं ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें फिर कंपेरिजन करें ठीक है कि स्केलिंग अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से आप इसको खींचोगे ना यहाँ से है, तो ये हर साइड से एक जैसे वो देते हैं इसकी क्वालिटी और उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अब ये देखें ना कि अब तो आपको पिक्सल्स का पता चल गया कि ओरिजिनल पिक्सल्स क्या थे और वो क्या था, अब इसको कैसे डील किया जाए कि मतलब इसकी क्वालिटी के ऊपर असर ना पड़े ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे स्केलिंग कहेंगे ठीक। आपके मतलब मिड टर्म के बाद जो कोर्स पर होगा उसमें फिर इन चीज़ों को हम डिटेल में फिर करेंगे मैटलैब के फंक्शंस के साथ ठीक है। इधर जो है सिर्फ आप इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लें कि मतलब कैसे ये काम कर रही। बहरहाल ट्रांसलेशन में क्या होता है, मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्राम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, रोटेशन टू रोटेट सर्कुलेट एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स सेंटर पोजिशन ठीक है। थर्ड वन इज स्केलिंग द चेंजेस द साइज। अभी देखिए लिखा है ना सर्कुलर मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ पिवट, व्हाट यू मीन बाय पिवट? पिवट जो है ना इट इज एन एरिया अराउंड विच यू विश टू टेक एन एक्शन, बात समझ आ रही कि नहीं? और अब देखिए मैं अगर इस पे कहता हूँ ना कि इस क्लास को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ ठीक है, अब इसको मैं कैसे डिवाइड करूँ, बात समझ आ रही कि नहीं? तो अब मेरे जहन में जो ज्यादा प्रोमिनेंट पॉइंट होगा इस क्लास में उस बेस के ऊपर मैं क्या करूंगा इसको डिवाइड करूंगा ठीक है। तो वो ऐसे भी हो सकते हैं कि इस सेक्शन को इधर करो इस सेक्शन को इधर करो, अगर मैं इधर हूं तो मेरे जेन में ऐसा है कि दीज फोर इन वन ग्रुप एंड दीज फोर इन अदर ग्रुप। अब मेरे सामने ये दो कंप्यूटर दे आर रिप्रेजेंटिंग लाइक अ पिवट पॉइंट, समझ आ रही कि नहीं? इसी तरह जो है अगर आपके पास ग्राफ्स है तो आप क्या कहते हैं कि व्हाट इज अ पिवट पॉइंट, अगर आप एक नॉर्मल ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो आप एक सेंट्रल पोजीशन को पॉइंट आउट कर दें कि इससे अगर ज्यादा है तो ये इससे कम। अगर मैं ये कह दूं ना कि इस क्लास में एवरेज जो है इट इज अ पिवट पॉइंट ठीक, यानी 70% एवरेज, अब कुछ के 70 से ज्यादा होगा कुछ के 70 से लेस नंबर। इसी तरीके से अगर मैं 2D स्क्रीन की बात करूंगा और मैं कहता हूँ कि रोटेट में कर रहा हूँ तो जाहिर है कि किसी पॉइंट के इर्द गिर्द वो रोटेट करेगा ना, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ पिवट पॉइंट, समझ आ रही कि नहीं? अब फॉर एग्जांपल देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है ठीक है, और ये मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो ये क्या है अब इसका ये पॉइंट जो है सेंटर पर, ये इसका पिवट पॉइंट ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, समझ आ रही है? तो दिस इज, तो जिसको हम पॉइंट आउट करें ठीक है ना, दैट इज with respect to the pivot point ठीक है, जिसको आप वो करें। अच्छा so what is happening in translation ठीक है, अगर आप देखें इस ऑब्जेक्ट को तो इट इज लोकेटेड एट वन पोजिशन ऑन अ 2D प्लेन एंड यू मूव इट टू अनदर लोकेशन ऑन अ 2D प्लेन, समझ आ रही कि नहीं?
अब अगर आप इसको देखें, इफ देयर इज अ 2D प्लेन, और मैं यहां से 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3 ये 4. Say an object is located at this position. यानी x comma y1 is equal to 1 comma 2. So this is the location. Clear? And I wish to translate this object. So what you mean by translation? To move this object to a new position. तब मैं इसको कहूँगा कि how much the translation you wish to take into ty. तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं 5, 0 में translation करना चाहूँ. क्या? 5, 0 translation करना चाहते. So what will it mean? That I will move this object 5. तो अगर आप इसके साथ इसको ऐड करोगे, ठीक है ना, प्लस 5, 0. So it will become 6. So the new position for it will be 1, 2, 3, 0. तो मैट्रिक्स एडिशन है ना? नहीं सर, वो मैट्रिक्स किस बेस पे सारे दर्ज हैं? ये मैट्रिक्स देखें, आपने x और y प्लेन लिया है ना, अब इस पोजीशन पर ये है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1/2 से, ठीक है, तो x एक्सिस के ऊपर मैंने 1 रखा, y के ऊपर मैंने 2 रखा, सही. अब मैं क्या कहता हूँ कि इसकी आप ट्रांसलेशन करें, ठीक है, ट्रांसलेशन इन x एक्सिस 5 एंड y एक्सिस 0. तो मैंने x एक्सिस के ऊपर y ट्रांसलेशन किया और s के ऊपर 0 किया. तो मैं इसको ऐसे करूंगा, 1 + 5 देन 2 + 0, सो 6 का वर्ग. सर एक क्वेश्चन है, अगर इसको हम फिर वो तो जाहिर है ना, अब उस सूरत में आप क्या करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, अगर आप उस साइड पर लेफ्ट और राइट पर आप मूविंग करना चाहते हो, अभी तो मैं लेफ्ट और राइट भी करूँ, वो टॉप एंड डाउन भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसे अभी डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, ठीक है. अच्छा, इसकी समझ आ गई? जी सर. ठीक, so with this we are translating an object to अब देखें यहाँ पर ये इसको हमने वो किया, translation distance tx and ty, so for point pxy after the translation when p dash is equal to x dash y dash, so x dash is x plus tx, y will be ty, so tx ty is a translation vector, translation का vector कहलाई. तो देखें वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको mathematically मेंशन किए गए हैं, ठीक है. अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ कि इस ऑब्जेक्ट को ये इस ही के मुताबिक कर सकें, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं से फॉर एग्जांपल फाइव कामा फोर पर करना चाहूँ, समझ आ गई बात की? अब इस सूरत में क्या होगा कि ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा?
6,6. तो अब देखें इसका जो पॉइंट होगा 5 और ये 6 होगा। तो आप देखें ये वाली पोजीशन अगर आप इसको देखेंगे ये वाली, तो आप इस सूरत में अगर आप देखें तो इसकी ऐसे ट्रांसलेशन सही। एक दफा ऐड हो गया ऊपर वाला, अब मजीद हम इसको और नहीं, ये तो देखें ना वो तो पहला सिचुएशन था ना, दिस इज द न्यू सिचुएशन, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि इस को यहां से ही तो खत्म हो गया, ठीक है ना, अब इसकी जो पोजीशन है वो क्या आ गई 6,6 आ गई। आप मजीद इसको करना बताओ सर, ये 6 6 करते हैं, अब ये आपको 6 6 करना होगा। अब आप क्या चाहते हो सर, आप ये 4 4 इसमें नहीं, फोर पोजीशन पर आप लाना चाहते हो, ठीक है। tx is equal to minus 2, y is equal to minus 2 होता है, ठीक है। तो आप इस सूरत में क्या हो जाएगा minus 2 और minus 2, ये 6 minus 2 हो जाएगा। वही मैट्रिक्स एडिशन और सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, सो इट विल बी 4 4। तो आप ऐसी सूरत में क्या होगा, दिस ऑब्जेक्ट विल कम टू दिस पोजीशन, सो मूविंग एन ऑब्जेक्ट ऑन अ 2D प्लेन। सो जस्ट बाय चेंजिंग, अब देखें ये तो मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं ना, बात समझ आ रही है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर ये सिचुएशन है कि ये एक लाइन है, ठीक जी, अच्छा अब तो ग्राफ है मेरे पास और इसके ऊपर जो है ये 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, 1 2 3 4 5 6 7। और अब देखिए मेरे पास यहां पर एक लाइन है ये, और इस लाइन को अब मैं मूव करना चाहता हूं। इसमें मेरे पास दो देखे पॉइंट है, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, बात समझ आ गई थी। तो मेरे पास अब क्या होगा इस लाइन के लिए, मेरे पास x1, y1 एंड x2, y2 मेरे पास होंगे। सो x1, y1 इज 1,2 एंड 5,2। अब ये देखे मेरे पास आ गई, ठीक। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन चाहता हूं, से टी एक्स मैं जरा सिंपल सा करता हूं ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। टी एक्स इज इक्वल टू से 3 एंड टी वाई इज इक्वल टू 2, यानी वाई एक्सेल में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ एक्स एक्सेल में चेंज आ रहा है, समझ आ गई कि नहीं। अब आप लोगों ने क्या करना होगा, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आपका कैसे बनेगा, x1 y1 के लिए अलायदा होगा और x2 y2 के लिए आपके पास अलायदा होगा। अब x1 y1 क्या है आपके पास, 1 2 है, अब इसके साथ आपने ऐड करना है 3, इसी तरीके से 5/2 है प्लस 3 एंड 2। बात की समझ आ गई कि नहीं, तो नया पोजीशन अब इसका क्या बनेगा, 4 4 4 4 और 6 8 4 4 4
क्या होगा? फोर और फोर और ये एट एंड फोर एट फोर एट और ये अच्छा। अब इसके मुताबिक आप देखें कि फोर फोर पर ये चला जाएगा, एक्स एक्सिस क्या है नहीं ऊपर वाले ये फोर होगा जी, वो दोनों फोर एक्स वन और ये एट होगा ना नहीं और y क्या है वो फोर और सो दिस विल बी the new orientation of the line. अच्छा अब इसको थोड़ा सा इसको हम ऐसा करते हैं कि मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर दिया है ठीक है, और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक मिनट जी ये ग्रिड लाइंस मैंने ड्रा कर दिए इसके ऊपर ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ इंसर्ट और एक लाइन देखे मैंने इसके ऊपर ये ड्रा कर दिया, ये लाइन बड़ी हल्की सी है इसको मैं लाइन को ज़रा मोटा कर लूँ ठीक है। और ये आप इसको ये कह दें समझ लें ठीक है ना कि ये आपका ग्राफिकल प्लेन है ये वाला ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव इसमें क्या है सेंड बैकवर्ड ये वाला सही। अब देखिए इसके ऊपर अब ये एक ग्राफ है इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे एक्स वाई एक मैं से नहीं करता कंट्रोल से एक मिनट प्रिंट स्क्रीन और ये पेंट पे मैं डाल देता हूँ ठीक है। अच्छा अच्छा अब इसको थोड़ा सा आप देख लें ठीक है। एक लाइन देखे मैंने इसके ऊपर ड्रा कर दी यहां पे ये ठीक अच्छा इसकी पोजीशन मुझे बता दें ऑन एक्स वाई प्लेन ये इसका वाई एक्सिस है ये इसमें एक बड़ा मसला होता है क्या हो गया ठीक। और ये जो है इसका वाई एक्सिस है
इसकी पोजीशन को जरा पहले हाईलाइट कर दे कि ये किस लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, ये जो है अगर मैं ऐसे करूं तो ये किस पोजीशन के ऊपर है, 0,0 के ऊपर इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। ये इसका क्या है, ओरिजिन है। अब ये जो पॉइंट है ये कौन सा होगा, ये वाला 1, 2, 3, 4 तो x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट क्या होगा, मैं एक मिनट इस तरह ये कर देता हूँ ना, हाँ ये। अच्छा, इसका ये पॉइंट क्या होगा, ये क्या होगा, 4/3 होगा, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, क्या 4/3। और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये वाला क्या होगा सर, 18 समथिंग मान रहे हैं, 17 18 एक्स एक्सिस के ऊपर क्या 18 18 और एक्स एक्सिस पर 3 18 कामा 3, ठीक। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि लेट ट्रांसलेट, मैं इधर ही लिख लेता हूं ताकि मतलब रिकॉर्डिंग में आ जाए, उधर तो आ गया लेकिन मैं कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग में आ जाए, ठीक है। ट्रांसलेट जी, अच्छा सही है, करो चलो मैं लिखाई को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। खैर, द ऑब्जेक्ट टू टी एक्स कामा टी वाई इज इक्वल टू 10,15। शाबाश, इसको आप ट्रांसलेट करें कि क्या इसकी पोजीशन होगी। इधर जरा देख ले, बता दे मुझे ना, उधर जरा पॉइंट सर 14 के होगा, पहला पॉइंट कर ले सर, बताए मुझे तो करो ना, उधर निशान लगाओ ना, सिर्फ पॉइंट पॉइंट आउट करो। पहले वो मैट्रिक्स, उधर मैट्रिक्स कैलकुलेशन आप करो ना वहां पे, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैलकुलेशन ये मिटा दो,
अच्छा इस पॉइंट को जरा यहाँ पर हाई, दूसरा छोड़ दे, इस पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट कर दो, कहाँ पर होगा सिर्फ पॉइंट को हाईलाइट कर दो। मतलब ग्राम के बगैर तो काम नहीं चलेगा, इसके बगैर तो देखे पॉसिबल ही नहीं है। और जब दूसरा पॉइंट जो है कौन करेगा, आप अब ये लाइन जो है ना इसी तरह स्ट्रेट होगी या कर्व उसके फॉर्म में होगी, कोई एंगल बनाएगी, एंगल बनाएगी कोई। ये मेरे क्वेश्चन की समझ आ रही, ये लाइन इस तरह स्ट्रेट होगी या मतलब इसके एंगल बनाएगी? सर आप इस तरह पहले वाला पैरेलल उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, इस लाइन की बात सही कर रहे हैं, इसको अब इन पॉइंट्स पर भी आप हाईलाइट करेंगे। एक्स एक्सिस पर अब ये 28 पर होगा। 18 अच्छा मैं इसको थोड़ा सा कर दू, ये 4.3 है और ये क्या 18.3 है। अच्छा x एक्सिस और ये y एक्सिस ये है, ठीक है, ये 14 और ये 18 आ गया। समझ आ गई बात? मुझे समझ। अच्छा चलो ये जो है ब्लैक तो नहीं कर रहा अभी, कभी ब्लैक कर रहे थे कभी नहीं, ठीक है। तो ये जो है क्या आएगा 14 और ये 18 आएगा ना, सही है। अब 14 और 18 जो है एक्स वन वाई वन होगा, ये एक्स वन कामा 14 कामा 18 और यहाँ पर ये क्या है 18 और 3 है जी सर। अच्छा तो ये 10 कामा 15 है वहाँ पे जो स्केलिंग मैंने कहा है, ठीक है। तो 18 जमा 10 28 एंड 18
तो ये क्या जाएगा x2 कामा y2 इज इक्वल टू क्या आएगा ये 28 कामा 18 अच्छा पहले x1 y1 को यहाँ पर सीक आउट कर लेते हैं क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 ठीक है पहले मैं निशान लगा लूँ तो फिर बंद भी हो जाए तो ठीक है अब दूसरा क्या है 18 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आएगा ना ये वाला चलो सही है दूसरा क्या है 28, 18 अच्छा तो यहाँ तक तो 18 था ना 14 था सर 18 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये आएगा ना सही और y एक्सिस के ऊपर क्या है 18 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं इधर से काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अब ये मेरी लाइन है जो मैंने ड्रा कर और ये जो है आप लोगों की लाइन है कौन सी सही है कौन सी नहीं मैंने इधर से देख ड्रा करके आपको किया है ट्रांसलेशन करके मैंने अपना बना लो काउंटिंग में मसला चलो मेरे लिए तो ये आसान इस वजह से है कि मतलब वो इसमें गलती के चांसेस कम है ना सर उसमें साथ तरफ से जा सकते वो अक्सर बोर्ड के एग्जाम होते हैं ना तो मैथ्स के क्लास पेपर में आपको बता दिया जाता है ना कि एक ग्राफ पेपर अपने साथ ना है चले सही चले एक काम करते हैं ठीक है अच्छा ये एक लाइन है इसको मैं प्लॉट कर रहा हूँ ठीक है अच्छा फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन टू जी यार ये जो है मैं क्या कर इसके साथ
फॉर लाइन टू, लाइन टू के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड आउट करें शाम में। कर लो उधर से ही करना होगा, कोई और बंदा करे ना। चलो आप इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें, ये उठा लो। चलो मैं ये निशान आप, नहीं सही है, देखे बिल्कुल आप देखे, ये देखे मैंने येलो निशान डाल दिया है। बिल्कुल आओ दफ्तरंगे साहब, नेम खबर देना। खैर कर से कर ले ना, दूसरा बंदा फिर इसकी करेक्शन करो। नहीं नहीं इसको करने दे, खैर फिर आप इसको पहले येलो के कोऑर्डिनेट्स में, रेड को छोड़ दो, येलो के कोऑर्डिनेट्स में येलो को। सर जी एक्स से कम लेगा तो ठीक है, और आप रे दर रेड प्रेग दर है ना, सर दर येलो दर पा इसको समझा दो, अगर ये गलती कर रहे हैं उसको बता दो कि क्या गलती कर रहे हैं। सर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, तो एक्स एक्सिस में 13 और वाई 7। अब रेड पॉइंट के लिए ये येलो सही है। हाँ सही है सर। तेरा से दिखा दल सर, माफ नहीं खा दे राउंड चूज द रेड फ्रेंक द तो असे टार्डर एस्टीमेट कई का ना चलो सही है ठीक है। उसको रेगुलर थे उसको वाला अरसा वर्जी ठीक है। अच्छा जेड सॉरी यार क्या मसला है, अब रेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? रेड के सर, रेड के हाँ सिर्फ रेड के, तो
देने हैं तो बीम के बाद आप डिले हो रहा है। X क्या है 28 है और Y सेवन सिंपल इसके भी समझ नहीं पड़ रहा है बस हो गया सर नहीं समझे सही सर बताओ इसको लाइन जब भी बनते हैं वो दो पॉइंट से बनते हैं ठीक है एक पॉइंट के लिए आपके पास एक्स वाई होना चाहिए और दूसरे पॉइंट के लिए आपके पास एक्स वाई होना चाहिए ठीक है तो पहले आप कोऑर्डिनेट पर एक्स वाई मालूम करें पॉइंट फिर उसके बाद दूसरा एक्स वाई जो है मालूम करें फिर दोनों को मिला इससे लाइन बनता है लाइन कभी भी दो पॉइंट से नहीं वन पॉइंट से कभी भी नहीं बनता ठीक है ये एक्स वन है और ये वाई वन है ये पहला जो है पॉइंट है जिस तरह ये एक्स वन वाई वन जो भी है ये क्या है ये 13-7 जो है ये x पर जो हम 13 जाएंगे आगे और y पर जो है हम 7 तक जाएंगे तो इससे ये एक पॉइंट बन जाएगा पहला पॉइंट हमें मालूम हो जाएगा इसके बाद दूसरा पॉइंट किस तरह मालूम करना है वो फिर x2 और y2 से हमने मालूम करना है वो क्या है 28 और 15 तो इसमें भी वही करना है कि x पर हम 28 तक जाएंगे y पर जो है हम 15 तक जाएंगे तो दूसरा पॉइंट भी मालूम हो जाएगा ओके दोनों पॉइंट्स को मिला लिए तो ये tx की वही नहीं लेंथ की बात नहीं समझा ये पॉइंट्स लेंथ किस तरह अच्छा यहाँ तक समझ आ गई अब आप लोगों ने करना क्या है बस इसको स्टॉप इसी पर स्टॉप कर लेते हैं फिर ठीक है ट्रांसलेट द लाइन आर द ऑब्जेक्ट टू टी एक्स कामा टी वाई इज इक्वल टू 4,9 इसको ट्रांसलेट करें अपना अपना करें ना नेक्स्ट कौन सा वाला लेंगे तो यही 9-2 ही आप ले लेना इसको खत्म हो गया ये वाला आप 9-2 तरी वाला पहला कर दें ये वाली 9-2 बस के पॉइंट्स आ रहा है बता दिया नहीं तो क्या नहीं है क्या है इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसके वन जो है सर वो 13 है और वाई वन 17
ये क्या 13 कामा कामा 7 है ये क्या है